ये है रामानंद संप्रदाय श्री हनुमान जी जन्म स्थल 575 स्टेप्स। जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हनुमान जी एक ऐसे भगवान जिनकी पूजा एक छोटा बच्चा भी करता है और एक बड़ा बुजुर्ग भी। हनुमान जी को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ही जिस किस तरीके से उन्होंने राम जी की मदद करी, राम जी के परम भक्त हैं और बहुत सारे लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं। गाइस, आई थिंक मैं 7 या 8 साल का था जब मेरा फर्स्ट टाइम परिचय हनुमान जी के साथ हुआ। मेरे मामा मेरे को उस टाइम पर आई थिंक ठंड का समय चल रहा था, तो ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे हम सुबह जाते थे और मंदिर में हनुमान जी का चोला चढ़ाते थे। और आज मैं भी एक छोटा सा हनुमान भक्त हूँ और मैं हमेशा से जाना चाहता था एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हनुमान जी का स्टार्ट हुआ हो, मतलब हनुमान जी से कहानियाँ जो जुड़ी हुई हैं वो स्टार्ट हुई है। सीरीज की स्टार्ट हम कर रहे हैं हनुमान जी के जन्म स्थल से। गाइस, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हनुमान जी का जन्म अंजनधारी हिल्स जो कि हम्पी कर्नाटका में है वहाँ पर हुआ है। तो मैं भी इस जर्नी की स्टार्टिंग वहीं से, शुभारम्भ वहीं से करना चाहूँगा। आप सब भी जुड़े इस जर्नी में मेरे साथ। हम पहले जाएंगे अंजनधारी हिल्स, देन हम्पी। मेरा जन्मदिन है तो मैं चाहता था कि मैं अपना जन्मदिन हनुमान जी के जन्म स्थल पर मनाऊं, उनकी उनका दर्शन करके मनाऊं। तो इस बार मैं वहां पे जा रहा हूं और फिर उसके बाद हम वापस दिल्ली आएंगे और कुछ समय के बाद हम जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम के बाद हम जाएंगे श्रीलंका, देन तब तक अयोध्या, हमारा अयोध्या का मंदिर तैयार हो चुका होगा तो फिर वहां पे रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो जितने भी लोग अभी इस चैनल के अंदर नए आए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और इस जर्नी को चलिए शुभारंभ करते हैं। जय हनुमान जी। पहुंच गए हैं अपने पहले स्टॉप पर। यहां से हम जाएंगे अपने उड़न खटोले में, हवाई जहाज में बैठेंगे और पहुंच जाएंगे हम्पी। पता नहीं, आई थिंक हुबली उतरेंगे हम। सो गाइस, इस ट्रिप में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ हमारे भाई अमन। अमन इज आल्सो गोइंग विद मी। उड़न खटोले में बैठ के जाएगा मेरे साथ ये लड़का भी। और अभी हमें भागना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है। और आप सब भी डिजी यात्रा वाली एप्लीकेशन डाल लो भैया, सुनने में आया है कि अच्छा रहता है, जल्दी निकल जाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग से और इन सब चीज़ों से। और अभी तो लग रही प्यास। राम राम भाई सारे। अमन, कितना स्मूथ प्रोसेस है यार, है ना, कितना स्मूथ प्रोसेस है। कोई चेकिंग नहीं कुछ नहीं। आओ डिजी यात्रा में अपने मोबाइल से अपने एप्लीकेशन दिखाओ। अब हमें जाना कहाँ पे भाई, कौन से उस पर अपनाओ। अरे ट्रॉली तो ले ले, मेरे हाथ में एक बैग है यार, बैग अच्छा लग रहा है मेरा वैसे। सारी बात छोड़ो। और कितने है भाई ट्रॉली, कितने है अथे है। देखो आपको ना इस वाले वीलो के अंदर हर एक लैंग्वेज को सुनने को मिलेगा, हरियाणवी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। अरे अरे एक मिनट रुक जा भाई। भाई मेरा बैग नाराज है मुझसे, आ ही नहीं रहा आज। अरे मेरा बैग वहाँ पे दे दिया इन्होंने, नाराजगी ज़्यादा है शायद, पुलिस वालों पे जाना पड़ेगा। तो भाई अभी है टाइम, तो हमने पी ली शिकंजी, हमारे भाई ने खा ली आलू के पराठे विद शिकंजी, विद दही, विद अचार। हाउ इज़ द टेस्ट ब्रदर? अमेजिंग टेस्ट है, ऐसा बोल रहा है, जानबूझ के बोल रहा है जिससे कि मैं भी ये खाऊं साड़ा। चलिए खा के देखेंगे भाई। सो गाइस, अभी नया नया अपडेट आया है, हमारे भाई देंगे आपको अपडेट, बताइए। 1 घंटा विमान के डिले होने के कारण हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं 1 घंटा। वैसे ये जो इंसान है ना, इसने हमेशा हर एक फ्लाइट छोड़ी है। मुझे लगा था मुझे कॉफ़ी शॉप में ले जाके बिठा दिया।
और हमारी फ्लाइट वैसे उड़ने वाली थी 12 बजे, और 11:45 तक भाई साहब ने यहाँ बिठा के रखा, कह रहा 15 मिनट पहले चलेंगे, 15 मिनट पहले। मालूम चला गेट वेट बंद हो जाते हैं, ये हमेशा छोड़ता है भाई इसलिए। लेकिन चलो हनुमान जी ने 12:55 पे करवा दी, वरना ये तो छुड़वा ही देता आज। सो गाइस आज तो मतलब कमाल पे कमाल होता जा रहा है। जो फ्लाइट 12 बजे टेक ऑफ होने वाली थी, अब दूसरी बार डिले होकर 1:15 पे हो गई है। पहले हुई 12 बजे से, फिर हुई मतलब 12 बजे से हुई 1 बजे, अब 15 मिनट और डिले हो गई है। पता नहीं कब पहुँचेंगे और हो क्या रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का कुछ समझ नहीं आता। हाँ भाई, और एक और बार डिले हो गई, एक और बार डिले, 1:05 हो गया। पहले कितने बजे था? 10-15 मिनट और लेट हो गई। क्या ही करें, हम तो भाई यही देख रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे घर, और अपना घर मिस कर रहे हैं इनको देखकर। ये है लेटेस्ट अपडेट, घने काले बादल छा गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, बारिश हो रही है बहुत तेज। पता नहीं कैमरे के अंदर कैप्चर हो पा रही नहीं हो पा रही, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। लेट्स सी कब निकलेंगे यहाँ से, कब पहुँचेंगे अपनी मंजिल पर। लेकिन अभी तो सिचुएशन ख़राब ही लग रही है यार, बस पहुँच जाए यार। जन्मदिन हनुमान जी के जन्म स्थल पर ही बनाना चाहता हूँ यार। मतलब पिछले साल भी प्लान किया था, पिछले साल दुबई जाना पड़ गया, इस साल तो यार बस जाना है। फ़ायदा क्या होता है? ये फ़ायदा होता है पूरी सीट भाई की। अब हम निकल पड़े, फाइनली निकल रहे हैं। अच्छा है? रस्ते में लग गई थी भूख, और फिर वर्ल्ड फेमस प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड फेमस मैजिकल दाल चावल, देखते हैं क्या मैजिक होगा इस दाल चावल को खाने के बाद। और टर्बुलेंस बहुत है भाई इस वाली तरफ, एक दो बार तो ऐसे झटके लगे ना कि बस पूछो मत। तो चलिए जल्दी से खा लेता हूँ मैजिकल दाल चावल। बहुत ही बढ़िया मौसम लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा और हुबली, हम ये हुबली है ना, अच्छा हुबली एयरपोर्ट है ये दोस्त। ये सामने रनवे है सामने, और ये आपका पहुंच गए यहाँ से पैदल चले आई थिंक। लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स बहुत है मेरे भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ऊपर नीचे, इतना आगे पीछे, टेढ़ा मेढ़ा, ओ भाई ओ। लेकिन चलो पहुंच गए, वो मैटर करता है। और वेदर काफ़ी बादल ही बादल हो रखे हैं हर जगह। दिल्ली से निकले थे तब बादल ही बादल थे, और अब यहाँ पे आए तो यहाँ भी बादल ही बादल है। चलिए अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से बाहर। काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है यहाँ से हम आए, और अगर आप देखें तो सामने एग्जिट है, बहुत ही छोटा सा इनका पूरा का पूरा एयरपोर्ट है यहाँ पे हुबली में। तो मेरे हिसाब से कम ही लोग आते होंगे, लेकिन हाँ काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं हर जगह तो। और वेदर बहुत ही अच्छा है इन कंपैरिजन, एयर भी काफ़ी क्लीन है, वो पता चलता है जैसे ही आप लैंड करते हो। हम पहुँच चुके हैं और अब कैब ले ली है, नाउ ऑलमोस्ट हमारे को भैया लेके जा रहे हैं द्वारकेश भैया, और 3.5 घंटे लगने वाले हैं पहुंचने में हम्पी। अभी हम हैं हुबली एंड देन वी आर गोइंग टू हम्पी, तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास, मतलब रात के 8 बजे हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। भैया बता रहे हैं कि जो रोड है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने वाले हैं, तो चलो आपको भी दिखाता हूँ जो नज़ारे मैं देखूँगा। तो गाइस
गाइस सभी अभी पहुंचे हैं अपने होटल और पहुंचते ही भैया बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये है अपना होटल क्लार्किन यार, बेसिकली ना मंदिर के पास में, हनुमान जी के मंदिर के पास में सबसे पास यही प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम यहीं पर आकर रुके। बाहर से ऐसा है, दिखा देता हूँ आपको, बाहर से ऐसा है, अभी जाकर आपको रूम दिखा दूँगा। ठीक है, आप कोई ज़्यादा लग्जरी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो सहूलतें आपको चाहिए, मतलब जो आजू बाजू जितने भी होटल्स हैं उस पर तो हमें को ठीक लगा ये। और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे, ये रही प्रॉपर्टी। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 होने चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की फ्लाइट, देन 3.5 घंटे बाय रोड, टोटल हो गया आपका 6 घंटा। 6 घंटा लग जाता है यहाँ पर पहुँचने में। उसके बाद कल निकलेंगे हम सुबह। तो ये होटल का नाम है क्लार्किन। तो आप अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं, बाकी अब आपको मिलेंगे डायरेक्टली कल सुबह। चलिए, जय श्री राम।